हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं बीए बीएससी बीबीए इसकी सेकंड लिस्ट आ गई है, बीसीए बीकॉम और एलएलबी की सेकंड लिस्ट नहीं आई है। और इसी के साथ जो अभी 4 सितंबर को एंट्रेंस हुआ था उनकी भी लिस्ट आ गई है, एमए फिलॉसफी, अरबिक, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन की, ये सब लिस्ट जारी हुई है। इसमें देखना है कि एडमिशन डेट क्या है, काउंसलिंग डेट क्या है, कैसे होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें पूरी इस वीडियो में, और इस वीडियो में आपको पूरी लिस्ट भी दिखाई जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं जो लिस्ट जारी हुई उसकी तरफ, की लिस्ट क्या है और इसमें क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि हम लिस्ट पे आ गए हैं, आपको यहाँ मिल जाएगा डेट ऑफ काउंसलिंग, जो काउंसलिंग की डेट है वो क्या है। आप देखें तो इसमें जो डेट दी हुई है 10 की डेट दी हुई है, ठीक है, इसमें आपको 10 की डेट दी हुई है, 10 सितंबर की डेट दी हुई है, 10 to 11 सितंबर, 10 और 11 सितंबर को काउंसलिंग होगी। और कैस किस टाइम किसकी, 10 को किसकी होगी, 11 को किसकी होगी, ये देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 10 को जो है बी ए बी एस सी मैथ और एम ए में फिलासफ़ी, अरबिक, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री साइंस की 10 को काउंसलिंग होगी। ये आप डेट देख लीजिए, इनकी 10 को होगी काउंसलिंग, 10 को होने वाली है। और जो एम ए हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन वाले लोग हैं उनकी काउंसलिंग 11 को होगी। तो इसी तरह से आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है वो भी देख लीजिए। रिपोर्टिंग टाइम बी ए बी बी ए बी एस सी मैथ और एम ए फिलॉसफी, अरबिक, इकोनॉमिक का जो है टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, आप टाइम देख लीजिए। बीए फर्स्ट सेमेस्टर जितने लोग हैं, सभी जितना रोल नंबर सेलेक्ट हुआ है, वो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक काउंसलिंग करवा लेंगे अपनी। और इसके बाद 12:30 से 2:30 बजे तक बीबीए, बीएससी मैथ, एमए फिलॉसफी, अरबिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री साइंस, ये सारे लोगों की काउंसलिंग होगी। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए एम ए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इसकी काउंसलिंग 11 को होगी। और टाइम देख लीजिए, इसका जो टाइम दिया हुआ है आपको 9 बजे से लेके 12 बजे तक दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है सारी चीज़ें। ये देखिए आप टाइम देखिए, यहाँ पे 9 बजे दिया हुआ है, यहाँ पे ये देख लीजिए दिया हुआ है ना। तो इसका टाइम आपका मिलिट्री, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, ये सब का जो टाइम है आपका क्या है, 9 बजे से लेके 12 बजे तक। चलिए हम नीचे चलते हैं, देखते हैं रिपोर्टिंग टाइम और हॉल। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई, गर्ल्स को कहाँ जाना और बॉयज़ को कहाँ जाना है, किस काउंटर नंबर 1 पे जाना, काउंटर नंबर पे किसको जाना, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और अगर आपको नहीं पता होगा काउंटर कहाँ है, तो कॉलेज में बहुत सारे लोग रहेंगे, आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी और डॉक्यूमेंट्स होंगे सब ओरिजिनल होने चाहिए। एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड एंट्रेंस वाला था वो चाहिए आपका। और दूसरा चाहिए वैलिड फ़ोटो आईडी, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी। क्वालिफाइंग मार्कशीट, इसमें जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, बीए बीएससी की मार्कशीट हो गई, ये सब मार्कशीट चाहिए इसमें। और साथ ही साथ ट्रांसफ़र माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं, अदर कॉलेज से हैं, मतलब अदर यूनिवर्सिटी यानी कि पूर्वांचल से अफिलिएट जो नहीं कॉलेज हैं, आप उस यूनिवर्सिटी जैसे अवध यूनिवर्सिटी हो गई और भी किसी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए हर हाल में। और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जिसने फॉर्म में ये कास्ट सर्टिफिकेट फिल किया था उसको चाहिए ही चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। और इसमें जो कैंडिडेट है उनका रहना मस्ट है, वो कैंडिडेट यहाँ पर रहें, ठीक। और साथ ही साथ ये भी चीज़ें हैं, अगर आप काउंसलिंग के टाइम पे नहीं आते हैं तो आपकी काउंसलिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा, ये बात याद रखें। और ये सारी से पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इसमें, तो जो जैसा है बता दिया जाएगा आपको। फिर आइए ये लिस्ट जारी हुई है, जो ये लिस्ट देख लेते हैं क्या लिस्ट जारी हुई है, इसमें क्या चीज़ें हैं। तो आपके सामने ये लिस्ट है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की, इसमें आप अपना स्क्रीनशॉट कर लें, रोल नंबर चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
इसमें जी और एम रैंक का मतलब होता है जी फॉर जनरल रैंक, एम फॉर माइनॉरिटी रैंक। ये जो दूसरी लिस्ट आई है ये भी बीए की है, तो ये बीए की लिस्ट है, आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये जो तीसरी लिस्ट आ रही है ये भी बीए की लिस्ट है। ये भी लिस्ट है बीए की, आप वीडियो में देख लें, पॉज करके भी देख लें, ये सब बीए की लिस्ट है। अभी ये भी जो लिस्ट आ रही है ये भी बीए की है, और यहाँ पे बीए की लिस्ट हो जाती है ख़त्म। तो आप जिनका रोल नंबर है वो उस डेट पे उस टाइम पे पहुँच जाएं काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ जो दूसरी लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट आती है, ये बीएससी मैथ की है। तो आप लोग मैथ में वाले जो लोग हैं अपना रोल नंबर इसमें मैच कर ले, देख लें। ये भी बीएससी मैथ मैथ की लिस्ट है, सेकंड लिस्ट। ये बीबीए की लिस्ट है, तो बीबीए वाले लोग अपनी लिस्ट देख लें, यही इतनी छोटी सी लिस्ट है इनकी, इसी में सारी चीज़ें हैं, तो इसमें रोल नंबर देख लें। ये एमए की आ गई लिस्ट, ये हिंदी की है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की लिस्ट। और ये पूरी रही एमए की फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की लिस्ट। अब आ गई है पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट, तो पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट ये भी देख लें आप लोग। ये है एमए हिस्ट्री की लिस्ट, एमए हिस्ट्री वाले लोग देख लें। और इसी के साथ लास्ट लिस्ट जो है एजुकेशन की, एजुकेशन वाले लोग अपनी लिस्ट देख लें, इसमें रोल नंबर चेक कर लें अपना। और रही बात जो पीजी की सेकंड लिस्ट, वो 10 से 12 के बाद ही आएगी, ये बात जान लें आप लोग, वीडियो को पूरा देख के समझ लें सारी चीज़ें। तो इसमें ये सारी चीज़ें थी, सारी लिस्ट थी, सब कुछ बता दिया गया। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।